हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूँ बॉटनी के एक और लेसन के साथ। ये हमारा माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स के ताल्लुक से आखिरी वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं रोल इन डेफिशिएंसीज ऑफ क्लोरीन एंड निकल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लोरीन के बारे में। जैसा कि अब तक हम टॉपिक वाइज बात करते आए थे मैक्रो एलिमेंट्स की और माइक्रो एलिमेंट्स की, तो जुमला 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की थी। तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, तो आज के हमारे आखिरी दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्लोरीन एंड निकल। निकल जो है इसको हाल ही में ऐड किया गया है एज 17th एलिमेंट, अर्लियर इट वॉज ओनली 16th एलिमेंट। तो अब हम आई बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन को क्लोराइड आयन की शक्ल में एब्जॉर्ब किया जाता है और साथ ही साथ ये क्लोराइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो सोडियम और पोटाशियम के साथ एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी क्लोरीन क्लोको क्लोराइड की शक्ल में सोडियम और पोटाशियम के साथ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है कि इट मेंटेन्स सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ये मुनहिल के इर्तकास को मेंटेन करता है। यानी अगर हम दूसरे फंक्शन में देखें तो एनियन और कैटियन के बैलेंस को बैलेंस करता है, यानी मनफी और मुस्बित रवानों को के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। जैसे मिसाल के तौर पे साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो होता है उसमें एनियन और कैटियन का बैलेंस बराबर रखना होता है ताकि इर्तकाज आसानी से अंजाम ला सके। तो क्लोराइड वो एलिमेंट है, वो एसेंशियल एलिमेंट है जो ये एनियन और कैटियन के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। आइए हम आगे बात करते हैं तीसरे फंक्शन के बारे में। फ्लोराइड है, इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। यानी पानी के सालिने का टूटने का जो अमल होता है तो उस अमल के लिए क्लोराइड की जरूरत होती है। यानी अगर आप यहां देखें कि फोटोलाइसिस के दौरान सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो रिएक्शन होते हैं दो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन यानी अपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है और अपेयर ऑफ प्रोटॉन आल्सो रिलीज, प्रोटॉन को भी रिलीज किया जाता है और साथ ही साथ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन आल्सो गिवन और एक ऑक्सीजन के सालिने को भी या एक ऑक्सीजन को भी हवा में छोड़ दिया जाता है। तो अगर हम इसके ओवरऑल रोल के बारे में बात करें तो क्या रोल है क्लोराइड या क्लोरीन का, क्या रोल है? तो ये जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है इट इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू क्लोरोफिल। यानी पानी से क्लोरोफिल तक इलेक्ट्रॉन की मुंतकली के लिए अगर कोई एलिमेंट हेल्प करता है तो वो एलिमेंट है क्लोरीन, जो क्लोराइड की शक्ल में पाया जाता है। तो आगे हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो अगर इसकी कमी हो, जैसा कि यहाँ पे पानी के साथ में को तोड़कर फोटोसिंथेसिस के लिए एक रास्ता तैयार करने का काम जो क्लोराइड कर रहा है, अगर उसमें कमी वाजे हो जाए तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज होगा। फोटोसिंथेसिस का रेट अगर डिक्रीज होगा तो अदर जो एक्टिविटीज है पौधे के दूसरे जो तहमीली अफाल है वो भी इसकी वजह से मुतासिर हो सकते हैं। और दूसरा जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो है विल्टेड लीव्स, यानी मुरझाए हुए पत्ते। अगर आप देखें कि पत्ते मुरझा रहे हैं तो
हो सकता है कि ये क्लोराइड की कमी या क्लोरीन की कमी से बच्चे मुरझाए से नजर आए। और इसके तीसरा जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो ये है कि रूट्स बिकम शॉर्ट एंड थिक, यानी जो जड़ें होंगी वो छोटी और साइज में थोड़े से उनके इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से अपटेक का जो अब्सॉर्प्शन का जो अमल है वो मुतासर कर सकता है। और जैसा कि हमने बात किया था, नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ टिश्यूज, नेक्रोसिस भी वाकई होगी अगर क्लोरीन मैसर ना हो, नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ टिश्यूज वाकई हो सकता है। तो हमने यहाँ बात की थी, तो आइए मैं खुलासे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि क्लोरीन को सोडियम और पोटेशियम के साथ क्लोराइड आयन्स की शक्ल में अब्सॉर्ब किया जाता है या इंजेसाब किया जाता है। और इसका सबसे अहम जो फंक्शन है वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में एनियन और कैटियन का को बैलेंस करता है और साथ ही साथ फोटोलाइसिस में पानी को तोड़कर, पानी के सालिनेट को तोड़कर इलेक्ट्रॉन को पानी से क्लोरोफिल तक पहुंचाने का काम करता है। और इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रेट को डिक्रीज करता है और विल्टेड लीव्स हो सकते हैं, मुरझाए हुए पत्ते और साथ साथ रूट्स बिकम शॉर्ट एंड थिक, नेक्रोसिस या डेथ ऑफ टिश्यूज। हेलो एवरीवन, हमारा आज का दूसरा जो एलिमेंट है वो है निकल है, और निकल को मैंने कहा था कि हाल ही में ऐड किया गया है एज ए 17th एसेंशियल एलिमेंट्स। और निकल जो एलिमेंट है ये इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ यूरियस एंजाइम, यूरियस एंजाइम का एक अहम जुज है। और ये क्या करता है, आइए देखते हैं क्या करता है। ये यूरिया को ब्रेक डाउन करता है, यूरिया को ब्रेक डाउन करके या यूरिया को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में तकसीम कर देता है, यानी यूरिया को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में तब्दील कर देता है। और एक बात आपको जानकर ज़रूर हैरत होगी कि ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट दे प्रोड्यूस यूरिया, या पे देखें कि इन प्लांट्स यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेल्स, हर प्लांट सेल में यूरिया प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका जो फंक्शन, एक और फंक्शन है वो ये है कि ये प्लांट्स को स्ट्रेंथन करने में भी मदद देता है, यानी प्लांट्स की जो बीमारियों से लड़ने की जो सलाहियत होती है उसको सपोर्ट करता है निकल। और यहाँ पे हम इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को अगर देखें तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन लीव्स लीड्स टू नेक्रोसिस, यानी अगर यूरिया पत्तों में ज़्यादा मकदार में जमा होना शुरू हुआ, अगर उसकी यूरियस एंजाइम के ज़रिए से अगर उसकी ब्रेकडाउन या उसको तोड़ा ना गया, तो यूरिया अगर पत्तों में ज़ायद मकदार में या ज़्यादा मकदार में जमा हो जाए तो वो नेक्रोसिस का बायस भी बन सकता है, यानी नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ टिश्यूज वाकई हो सकता है। और हाल ही में इसके ऊपर जब थोड़ी सी रिसर्च हुई तो पता चला कि बार्ली के जो सीड्स होते हैं उनमें अबनॉर्मलिटी जो पैदा हुई थी वो निकल की गैर मौजूदगी की वजह से उनके सीड्स में थोड़ी सी अबनॉर्मलिटी नोट की गई थी। और जैसा कि एक टेक्निक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से जो वाटरी महलूल या सॉल्यूशन होता है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की मौजूदगी को जांचना आसान होता है।
तो कैसे अब्जॉर्प्शन होता है, एलिमेंट्स का कैसे अब्जॉर्प्शन होता है, उनका यूसेज क्या है वगैरह वगैरह हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के ज़रिए से अच्छी तरह से उन्हें जांचा भी जा सकता है। तो इसी के साथ हमारे एसेंशियल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और इनमें हमने देखा कि किस तरह से ये एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट्स के ग्रोथ डेवलपमेंट स्ट्रक्चर और उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पॉलिनेशन में और फ्रूटिंग में और दीगर तमाम तहवीली अफ़ाल में किस तरह से मदद देते हैं, और इनकी कमी से क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स हो सकते हैं। आई होप ये पूरे वीडियोस की सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कीजिए।